तुम्हें भोग लगाया, मैंने तुम्हें बेलपत्र चढ़ाई, मैंने तुम्हारा साथ बिछाया। कई लोग दुनिया के कई लोग ऐसे हैं जो बार बार कहते हैं मैं इतना करने के बाद भी मेरी किस्मत में यश नहीं, मैं रोज मंदिर जाता, रोज जल चढ़ाता, रोज पूजन करता तो भी दुख मेरे पर ही आता, मैं रोज ऐसा करता तो भी भगवान मेरी नहीं सुनता, मैं रोज भगवान को प्रार्थना करता तो भगवान मेरी नहीं सुनता। अरे मणि बार बार भगवान को कह रहा है कि मैं रोज मंदिर जाता हूँ तो भी मेरे को दुख आया, मैंने ऐसा करा भगवान मैं तुम्हें भजता हूँ, पर हरि ने नहीं कहा कि भगवान मैं जल चढ़ाता हूँ, भगवान मैं तुम्हें ये करता हूँ। मेरा निवेदन है सभी से, सभी श्रोता भाई बहनों से निवेदन है, आप अपने बच्चों को पढ़ाओ, आप अपने बच्चे को विद्या अध्ययन कराओ, आप अपनी बेटी को पढ़ाओ, आप अपनी बेटी को विद्या अध्ययन कराओ, आप अपने परिवार वालों के लिए करो, आप अपने परिवार वालों के लिए विद्या अध्ययन कराओ, पढ़ाओ बच्चों को, खूब पढ़ाओ, खूब विद्या अध्ययन कराओ, पर बच्चों को बार बार ये कहने की जरूरत नहीं है कि मैंने तुम्हारे लिए ये करा, मैंने तुम्हारे लिए मकान बनाया, मैंने तुम्हारे लिए दुकान करी, मैंने तुम्हारे लिए ये करा, मैंने तुम्हारे लिए वो करा, क्योंकि बच्चों के हृदय में धीरे धीरे चिड़ उत्पन्न होने लगती है और बच्चे आखिरी में एक दिन कह देते हैं कि दुनिया के माँ बाप भी करते हैं। इसलिए ऐसे शब्दों का संबोधन नहीं करना, बच्चों को संस्कार में ऐसा ढाल दो, संस्कार में ऐसा बच्चों को ढालिए कि बच्चों की चित्तवृत्ति में ये रहना चाहिए कि मेरे पिता ने और मेरी माँ ने मेरे लिए क्या क्या करा, ये बच्चों की चित्तवृत्ति में रहना चाहिए। बोलने से नहीं, बताने से नहीं, बच्चों की चित्तवृत्ति में संस्कारों के माध्यम से ये डाला है। हमारे घर के बच्चों में वो संस्कार होना चाहिए कि हमारे घर के बच्चे देखें कि हमारे पिता ने कितनी मेहनत करी, हमारे घर के बच्चे देखें कि हमारी माता ने कितनी मेहनत करी, हमारे घर के बच्चों देखें कि हमारे परिवार वालों ने कितनी मेहनत करी, तब उनको समझ में आता है। महाराज, ऊंचाई की बिल्डिंग लोगों को नजर आती है, चार मंजिल की बिल्डिंग लोगों को नजर आती है, पर चार मंजिल के नीचे जो सरिया गया है, चार मंजिल के नीचे जो खुदाई करी गई है, चार मंजिल के नीचे जो खोदा गया है वो नहीं दिखता है। होता है एक कथा आती है बड़ी सुंदर, एक भिखारी सोच लिया मुझे सम्राट बनना है, एक भिखारी ने सोचा मुझे राजा बनना है, और चाहे कुछ भी हो जाए मैं राजा बन के रहूंगा, मैं सम्राट बन के रहूंगा। अब भिखारी ने सोचा मुझे सम्राट बनना, तो किसी ने भिखारी से पूछा कि तुम सम्राट कैसे बनोगे, तो भिखारी ने कहा भीख मांग के। अरे भिखारी भीख मांग कर कोई सम्राट बनता है क्या, पर मुझे बनना है। भिखारी ने चौराहे के पास में अपनी चादर बिछाई फटी हुई और बैठ गया भीख मांगने के लिए। भीख मांगता रहा, मांगता रहा, मांगता रहा, मांगता रहा, 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल 30 साल 40 साल भीख मांगता रहा, मांगता रहा, मांगता रहा, मांगता रहा, और एक दिन भीख मांगते 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 उसकी अंतिम क्षण आ गया और भिखारी सीता राम हो गया। उसका सम्राट बनने की आशा, उसका राजा बनने की आशा उसके साथ ही मर गई, उसी के साथ समाप्त हो गई। भिखारी मर गया, भिखारी समाप्त हो गया। अब गांव के लोगों ने देखा, नगर के लोगों ने देखा कि भिखारी मर गया, भिखारी का कपड़ा फेंक दिया, भिखारी की चादर फेंक दी, भिखारी का सामान फेंक दिया। अब जिस जगह पर भिखारी सोता था, जिस जगह पर भिखारी पड़ा रहता था चौराहे पर, वो भिखारी ने उस जगह को इतना गंदा करके रखा था, इतना गंदा करके रखा था कि उसमें बदबू आ रही थी। अब बदबू आ रही थी तो उन्होंने तुरंत खुदाई वाले को बुलवाया और खुदाई करने के लिए कहा कि ये जमीन का ये टुकड़ा भिखारी बैठता था, इसमें बदबू आ रही, गंदगी हो रही है, इसने इतनी गंदगी कर दी, इसको उखाड़ दो, इसको फेंक दो, उखाड़ दो। देखो इसको, बुलाया जेसीबी मशीन वाले को, बुलाया होगा खड्डा खोदने वाले को, बुलाया होगा, और बुलाया गया। और बुलाने के बाद में जैसे ही खड्डा, भिखारी जहां बैठता था सोता था उस जगह पर जैसे ही खड्डा खोदा, खोदते से ही भिखारी के नीचे से सोना, पैसा, धन, दौलत ढेर सारी निकली, ढेर सारी। अब इतना सारा धन निकला तो नगर के लोगों ने सोचा कैसा भिखारी है, कैसा भिखारी, थोड़ा सा अगर नीचे खोद लेता और इतनी सारी दौलत उसे प्राप्त हो जाती तो वैसे ही सम्राट हो जाता। जिंदगी भर भीख मांगते मांगते मर गया, पर खुदाई नहीं करा, खोदा नहीं, और सम्राट बनने का
आशा लेकर मर गया, थोड़ा सा खोदता तो उसमें से धन मिल जाता तो सम्राट बन जाता। अर्थात शिव महापुराण की कथा कहती है हम भी ऐसे ही हैं, हम और आप सब एक जैसे हैं। दुनिया से कहते हैं ऐसा कर दीजिए भैया, ऐसा कर दीजिए भैया, हम दुनिया से भीख मांगते हैं, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कभी अपने अंदर हम खोदते नहीं है। अगर शंकर के शिवलिंग के प्रति हमारे भीतर हम खोदते जाएं कि शिवलिंग की पूजन से क्या मिल सकता है, शिव महापुराण सुनने से क्या प्राप्त हो सकता है, शिव महापुराण की कथा को पढ़ते जाएं खोदते जाएं और भगवान शंकर की भक्ति में हम इतने डूबते चले जाएं, नीचे उतरते चले जाएं, एक अंदर की ओर जाते चले जाएं, तो एक ना एक दिन तुम सम्राट बनकर ही रहोगे, राजा बनकर ही। अंदर नहीं खोद, हम केवल बाहर से सब कुछ कर रहे हैं, हमारा ये काम बिगड़ गया, हमारा ये काम अच्छा हो गया, हमें ये मिल जाता, हमें वो मिल जाता, हम केवल एक आस लेकर जी, पर हम भीतर नहीं झांक रहे, भीतर नहीं जा रहे। थोड़ा सा खोदिए अपने भीतर, थोड़ा सा खोदिए अपने अंदर, थोड़ा सा जाइए शिव महापुराण के भीतर, थोड़ा सा प्रवेश करिए शंकर की कथा के भीतर, थोड़ा सा प्रवेश करिए शिवालय के भीतर, थोड़ा सा प्रवेश करिए भगवान शंकर के अनुमोदन के भीतर, मिलेगा जरूर, प्राप्त होगा। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, थोड़ा सा जाने का प्रयास कर। पैसा कमाया बहुत आदर, 4 करोड़ कमाने वाला भी आखिरी में 4 कंधे पर ही जाता है, 4 करोड़ कमाने वाला 4 बांस 40 कंडे और 4 कंधे पर निकल जाता है, और 4 करोड़ रुपया उसका पड़ा कि पड़ा रह जाता है। जब करोड़पति भी बीमार पड़ता है हॉस्पिटल में पड़ा रहता है, करोड़पति भी जब हॉस्पिटल में आईसीयू में पड़ा रहता है, करोड़पति भी जब वेंटिलेटर पर पड़ा रहता है, धन उसका, पैसा उसका, करोड़ों की जायदाद उसकी, सारी वस्तु उसकी, पर बीमारी में उसका धन कितना उस पर खर्च करना है ये निर्णय भी दूसरा करता है, करोड़ों कमाने वाले का निर्णय भी उस के ऊपर। इसको वेंटिलेटर पे कितने दिन रखना है, वेंटिलेटर पे कब तक पटक के रखना है, आईसी में कितने दिन रखना है, अच्छा कमरा लेना है कि नहीं लेना, ये निर्णय दूसरा लेता है। करोड़ों का धन तुम्हारा, पैसा तुम्हारा, वैभव तुम्हारा, सत्ता तुम्हारी, सब कुछ तुम्हारा, कमा कमा कर जोड़ कर रखा तुमने, पर आखिरी में तुम्हारे पैसे का निर्णय भी दूसरे लेते हैं। देखो बहुत दिन हो गए वेंटिलेटर पे पड़े हुए, अब हटा देना चाहिए, पैसे पे पैसा लग रहा है, करोड़ों उसके थे, धन उसका था, पैसा उसका था, पर तुम्हारे पैसे का निर्णय दूसरा ले रहा है। देखो अगर ज्यादा अच्छा रूम लेंगे तो इतना खर्चा हो जाएगा, रोज का डॉक्टर आएगा, रोज की दवाई लगेगी, रोज का ऐसा लगेगा, रोज का वैसा लगेगा, इतना खर्चा हो जाएगा। पैसा तुम्हारा, धन तुम्हारा, वैभव तुम्हारा, सत्ता तुम्हारी, करोड़ों का धन तुम्हारा, और निर्णय कोई दूसरा ले रहा है। शास्त्र कथा है, शिव महापुराण की कथा कहती है नांदेड़ वालों, जैसे हमारे दोनों यजमानों ने ऐसा फल प्राप्त करा कि नांदेड़ की भूमि पर शिव महापुराण की कथा, दोनों यजमान श्री शिवराज नांदेड़कर जी और प्रशांत पातेवर जी, इन दोनों को साधुता देता हूं, मैं दोनों को धन्यवाद देता हूं। अपने धन का सदुपयोग स्वयं करिए, इसलिए हम पहले भी कथा में करते आए हैं, किसी को 1 रुपया नहीं देना मत दो, किसी के ऊपर खर्च नहीं करना मत करो, किसी को 1 रुपया नहीं देना मत दो, कम से कम अपने ऊपर खर्च करो, अपने ऊपर तो खर्च करो, अच्छे से खाओ पियो, अच्छे से रहो, अपनी जिंदगी फुल एंजॉय में जियो, रो रो के नहीं।
आंसुड़ा बहा बहा कर नहीं, अपनी जिंदगी खुश होकर जियो। थोड़ा सा दुख आया है, कट जाएगा, थोड़ा सा तकलीफ आई, कट जाएगा, पर अपने जीवन को अच्छे से जियो। 4 करोड़ कमाने वाले का भी 4 बांस, क्या बोलते हैं महाराष्ट्र में बांस को, बांबू, 4 बांस, 4 बांबू, 40 कंडा, कंडा मतलब गोबरी, अंतिम संस्कार में कितनी लगती, 40 कंडे से ज्यादा नहीं, 4 बांस, 40 कंडा और 4 कंधा, इससे ज्यादा जिंदगी नहीं मनुष्य की। और आखिरी में तुम्हारे धन का विचार भी दूसरे करेंगे। कोई आएगा, कोई कह देगा कौन बीमार पड़ा है, तो क्या वो बीमार पड़ा है, तो क्या इस एक काम करो कि अब देखो बहुत दिन हो गए पड़े पड़े वेंटिलेटर पे, इतना पैसा लग रहा है फालतू का, एक काम करो कि अब इनको वेंटिलेटर से हटा दो, डॉक्टर साहब हटा दो, निर्णय हाँ, डॉक्टर कह रहा है 2 दिन और रख के देखो, हो सकता है इसमें सांस आ जाए, 2 दिन और रखो इसमें सांस आ सकती है, पर नहीं अब हमारी कैपेसिटी नहीं है, इतना पैसा चले जाएगा, अब थोड़ा अगर ये तो चले ही जाएगा, जाने वाला चले जाएगा, कम से कम पैसा तो रह जाए, पैसे को जोड़ जोड़ के रेंदो, तुम्हारा धन और निर्णय कोई दूसरा ले रहा। इसलिए शिव पुराण कहती है अपना निर्णय अपने को ले, अपना निर्णय अपने को ले, स्वयं का निर्णय होना चाहिए, स्वयं और स्वयं का जब निर्णय लोगे तो जीवन की सार्थकता स्वयं सिद्ध करेगी, आप स्वयं शिव पकड़ेगा, स्वयं हम तो बाबा के भरोसे मिले तुम्हारे पास रखो, परमिशन भोलेनाथ ने घर में दे दी, ले भक्ति भजन चित्त स्मरण अपने भीतर और स्वयं का निर्णय श्रेष्ठ कम निर्णय, स्वयं का निर्णय कर, स्वयं शंभु शिव कथा, हरि के पाँव में कांटा चुभा है, मणि के पाँव में पूरे शरीर में कांटा चुभा है, मणि बार बार शिव जी से कह रहा है मैं तुम्हारे मंदिर आता था, मैं तुम्हारे मंदिर में पोछा लगाता, झाड़ू लगाता, तुम्हें जल चढ़ाता, तुम्हें भोग लगाता, तुम्हें बेलपत्र चढ़ाता, तुम्हें धतूरा चढ़ाता, तुम्हें ऐसा करता, बार बार मणि कह रहा है, पर हरि एक बार भी नहीं कहा कि बाबा मैं तुम्हारे लिए कुछ करा, हरि तो ही कह रहा है बाबा मेरे पाँव में कांटा चुभा है, केवल हरि शिव नाम का स्मरण कर रहा है, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम, भजन कर रहा है। मेरे ओघड़दानी शंभु के कानों में शब्द गया, शिवजी एक बूढ़े का रूप रख कर आए, हरि के पास पहुंचे, उसके पांव का कांटा निकाल दिया। हरि ने पूछा बाबा तुम कौन, इस वीराने जंगल में कहां तुम आ गए, कौन हो तुम, कहां से आए हो तुम, कहां से रहने वाले हो। भगवान भोलेनाथ जी कुछ नहीं बोले, केवल कांटा निकाल दिया, केवल कांटा। शिव कथा कर दी, आप कमाते हैं, जोड़ते हैं, उसको बढ़ाने का प्रयास करते हैं।
एक दुकान में से थोड़ा सा कमाया तो उसको बढ़ाने का प्रयास कर, छोटी सी दुकान को बड़ा बनाने का प्रयास कर, एक गाड़ी है तो दो गाड़ी बनाने का प्रयास कर, एक पेट्रोल पंप है तो दो पेट्रोल पंप करने का प्रयास किया, बनाने का 5 एकड़ बनाने का प्रयास किया। धन को, थोड़े से धन को बड़ा बनाने का प्रयास में हर व्यक्ति लगा हुआ है। कैसे ना कैसे मुझे धन बढ़ाना है, प्रॉपर्टी बढ़ाना है, सत्ता बढ़ाना है, वैभव बढ़ाना है, अपना मान, अपना आनंद सब बढ़ाना है। बढ़ाने में तुम लगे हुए हो, धन को बढ़ाने में लगे हो, घर को बढ़ाने में लगे हो, गाड़ियों को बढ़ाने में लगे हो, प्रॉपर्टी को बढ़ाने में लगे हो। केवल एक चीज ऐसी है जो बढ़ाने की जगह दुनिया के लोग घटा रहे हैं, वो क्या? भगवान की पूजा, भगवान की भक्ति, भगवान का भजन, भगवान का स्मरण, भगवान का मंदिर, ये लोग घटा दिए। पहले के समय में लोग मंदिर में समय ज्यादा देते थे, अब कम समय देते। पहले के समय में लोग भगवान को श्रृंगार ज्यादा करते थे, अब कम करते। पहले के समय में लोग भजन ज्यादा करते थे, अब कम करते। पहले के समय में लोग कीर्तन ज्यादा करते थे, अब कम करते। भजन कम हो गया, भक्ति कम हो गई, श्रद्धा अर्थात थोड़ी सी मात्रा में उसको कम कर दिया गया। पर शिव पुराण की कथा कहती है, तुम्हारे माता पिता ने जो पुण्य करा था, उस पुण्य, उस भजन का फल ये है कि आज तुम्हारी 4 मंजिल बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी ज्यादा है, गाड़ी ज्यादा है, बंगला ज्यादा है। तुम्हें क्या करना है? शिव महापुराण की कथा कहती है, आपको एक काम करना है कि अपने भजन के बल को बढ़ाना, अपनी भक्ति के बल को बढ़ाना, अपने स्मरण को बढ़ाना। थोड़ा सा भजन का बल बढ़ाई, थोड़ा भक्ति का बल बढ़ाई। शिव जी के मंदिर में जाओ, कभी ये मत कहिए कि मैं बाबा तुम्हारा भजन करता हूं। हरि ने एक बार भी नहीं कहा, हरि का भजन का बल बढ़ा हुआ था, इसलिए हरि भक्ति के बल पर आश्रित होकर चलता है। भजन के बल पर आगे बढ़ता है। और हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले। भाव से हम
उसको उन्नति की
को लेकर जाओ, टांग मत अड़ाओ, नहीं तो एक दिन टांग से चलने के लायक भी नहीं बस बन सके तो इस शरीर में हाथ आगे बढ़ाओ, पर टांग मत अड़ाओ। अगर हाथ आगे बढ़ा दिया ना तो कहीं ना कहीं भोलेनाथ तुम्हारा हाथ पकड़ कर खींच कर तुमको भी आगे बढ़ा देगा। और अगर सनातन धर्म के आयोजन में, कहीं अच्छे आयोजन में, सत्कर्म में, भगवान की भक्ति में और खास रूप से शंकर की भक्ति में अगर टांग अड़ाई है तो 1.5 साल 2 साल में टांग भी और शरीर भी बाबा के भरोसे ही रह जाता है। इसलिए थोड़ा सावधान। मेरा शिव का भक्त, शंकर का भक्त कभी भी मुख से कुछ नहीं कहता, पर शंकर के भक्त का जवाब स्वयं शंकर देता है, त्रिकालदर्शी का नाशी विनाशी देता है। इसलिए सावधान। हम फिर कहेंगे, पहले लोग कहते थे तेरा क्या होगा कालिया, हम भी आज कहते हैं सावधान रहना, तेरा क्या होगा कालिया। थोड़ा सतर्क रहे, थोड़ा सावधान रहिए। और मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा भगवान, की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। जिस नांदेड़ के कार्यक्रम के लिए नांदेड़ का बच्चा बच्चा, एक एक बूढ़ा, एक एक व्यक्ति, एक एक महिला, एक एक पुरुष जागृत होकर आधी रात को पानी भराया ग्राउंड में, तो एक एक समिति, एक एक बच्चा बच्चा, एक एक ये नहीं देखा कि कौन धर्म का कौन कर्म का, सारा व्यक्ति उस ग्राउंड में पहुंच गया और जाकर उसने एक एक व्यक्ति को आगे बढ़ाकर अपने अपने घरों में, अपने अपने भवन में, अपने अपनी जगह में ठहराया। अब अपना फर्ज बनता है कि अपने गाँव में, नगर में कोई कार्य हो तो उसको उन्नति की ओर आगे बढ़ाया जाए, उसको तरक्की की ओर लेकर जाया जाए, जिससे सनातन धर्म मजबूत होता चलेगा। सनातन धर्म मजबूत, उसको मजबूत बनाना हमारा कार्य, उसको श्रेष्ठ बनाना हमारा कार्य। वो तो शिव भक्त हैं, भगवान शंकर के भक्त बड़े सहज, बड़े सरल, बड़े भोले होते हैं, बड़े भोले। शिव भक्त बड़ा सरल, शंभू का भक्त बड़ा सरल। शिव कथा कह रही है, अरे मणि, मणि ने पकड़ लिया चरण हरि का, हरि का चरण पकड़ा, हरि ने कहा देख रे मणि मेरे चरण मत पकड़, मेरे चरण मत पकड़, तुझसे गलती हुई है, तुझसे गलती हुई है और उसका भोग तुझे भोगना है, इसलिए तूने भोगा। ये ना सोचे कि हम शंकर की आराधना में लगे हैं, शिव की आराधना केवल दिल से होती है, शंकर की आराधना केवल भक्ति मन से होती है, चित्त वृत्ति से होती है, हृदय से होती है। शिव भक्ति हृदय से, शिव भक्ति में दिखावा नहीं होता। बड़ा मन, एक पत्र देखिए, चैनल वालों से कहूंगा इस पत्र को जरूर आप आस्था चैनल पर दिखाएं, क्योंकि ऑनलाइन कथा चल रही है तो वो शिव भक्त भले यहां पर नहीं होगा पर उसका पत्र जनमानस तक पहुंचेगा। मेरा नाम संगमेश्वर त्रंबक अप्पा मठपति है। मेरा नाम संगमेश्वर त्रंबक अप्पा मठपति है। मैं लातूर जिले में अहमदपुर तालुका के चोबली गांव का रहने वाला हूं और मेरा मोबाइल नंबर ये है। डिग्री पूरी होने के 12 साल बाद गुरुदेव, मेरा 2012 में टीएट पूरा हुआ, उसके बाद मैंने 2013 में जिगर अपना पूरा पढ़ाई पूर्ण कर ली और पूर्ण पढ़ाई करने के बाद में तब हम पूर्ण तरह से परीक्षा देते रहे, पर कहीं सफलता नहीं मिल रही थी,
थक चुका था। 12 साल लगातार मैंने गवर्नमेंट जॉब के लिए, गवर्नमेंट सर्विस के लिए अप्लाई करा, पर मेरी नौकरी नहीं लगी 12 साल तक। तब मेरी दीदी ने मुझसे कहा, मेरी बहन का नाम है प्रियंका, उसने मुझसे कहा कि तू एक बार पशुपति व्रत कर। मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया। आप कहते हो कथा में स्वयं प्रसाद बनाओ, मैंने खुद प्रसाद बनाया। मैंने प्रसाद बनाकर भगवान शंकर का पशुपति व्रत करा, पर बाबा ने मेरी उस पशुपति व्रत पूर्ण होने पर भी मेरी नहीं सुनी। एक बार पशुपति व्रत पूर्ण हो गया, मेरी बहन ने कहा घबरा मती, वो सियोर वाला महाराज कहता है कि भगवान का चरण कभी मत छोड़, दूसरी बार पशुपति व्रत फिर कर। मैंने दूसरी बार पशुपति व्रत फिर किया, और दूसरी बार पशुपति व्रत करने पर मैंने एक एग्जाम बहुत पहले दे रखा था, जिसको मैं भूल चुका था कि जिसका कोई रिजल्ट आएगा। दूसरा पशुपति व्रत किया, और व्रत करने के बाद मेरे बाबा ने जो एग्जाम में बहुत पहले दे चुका था उसका मुझे याद भी नहीं था, और बाबा की कृपा से मुझे 17/6/2024 को मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया हूँ, आज मैं शिक्षक बन गया। मैं बाबा को धन्यवाद देता हूँ कि 12 साल के बाद मेरे बाबा ने मेरी सरकारी नौकरी लगाई, जो आस मैंने छोड़ दी थी, जो मैंने आस त्याग दी थी। ये शिव है, शिव। मेरा नाम संगमेश्वर त्रंबक अप्पा मठपति, लातूर जिले के अहमदपुर तालुका के चोबली गांव का रहने वाला हूं, और मेरा मोबाइल नंबर
फल, उनके सामने पपीता काट के रख दो, उनके सामने तरबूजा काट के रख दो, उनके सामने खरबूजा काट के रख दो, उनके सामने केला काट कर रख दो, उनके सामने तुम अंगूर रख दो, और उनके सामने कचौड़ी, समोसा, पी